हेलो दोस्तों, आई एम विजय पाल वर्मा फ्राम सुल्तानपुर यूपी। आपके यूट्यूब के टेक्निकल व्यू इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत नॉलेजबल है। यह वीडियो अधिकांश उन लोगों के लिए है जो लोग ट्रांसफार्मर का इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और टेस्टिंग कराते हैं, और जो लोग कंपनी में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट देखते हैं, और जो लोग विंड एनर्जी या पवन चक्की में काम करते हैं। ओवरऑल बोलें तो जो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या इलेक्ट्रिशियन हैं, यह वीडियो उन सभी के लिए बहुत कारगर है। दोस्तों, अब हम आपका समय न लेते हुए आज के वीडियो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो है ट्रांसफार्मर जो WTI OTI लगाया जाता है वो क्यों लगाया जाता है, इसकी सेटिंग कैसे की जाती है और इसका वायरिंग कनेक्शन कैसे किया जाता है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, ट्रांसफार्मर के जो WTI OTI लगाया जाता है उसकी सेटिंग और कनेक्शन जानने से पहले आपको बताता हूँ कि ट्रांसफार्मर में WTI OTI क्यों लगाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले बताता हूँ कि व्हाट इज WTI एंड व्हाट इज OTI। तो WTI मीन्स होता है बाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, और OTI मीन्स होता है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। दोस्तों, ट्रांसफार्मर में होता क्या है, ट्रांसफार्मर में कोर रहता है, फिर उसके ऊपर बाइंडिंग डाली जाती है, फिर इसको असेंबली करने के बाद, इसको टैंक में डालने के बाद उसमें ऑयल डाला जाता है कूलिंग के लिए। तो जो बाइंडिंग डाली जाती है, WTI जो है बाइंडिंग का टेम्परेचर इंडिकेट करता है, और जो ऑयल डाला जाता है, ऑयल OTI जो होता है ऑयल का टेम्परेचर इंडिकेट करता है। दोस्तों, आपके दिमाग में आता होगा कि WTI OTI लगाया क्यों जाता है। इस ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। इसका कनेक्शन एक पैनल से किया जाता है जिसमें रिले लगी होती है, जो WTI और OTI के टेम्परेचर के आधार पर ट्रांसफार्मर को ट्रिप होने से पहले अलार्म देता है, उसके बाद ट्रांसफार्मर को ट्रिप करा देता है। ट्रांसफार्मर में WTI और OTI इसलिए लगाया जाता है, जब ट्रांसफार्मर लोड पर कंटिन्यूस चलता है तो ट्रांसफार्मर हीट होने लगता है, या अधिक हीट ना हो, इसका इंसुलेशन सेफ रहे, इसलिए ट्रांसफार्मर में WTI OTI लगाया जाता है। यह बात हो गई ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन की। अब इसकी सेटिंग दिखाते हैं, सेटिंग बताते हैं कैसे होता है। अभी आगे और इसमें बताएंगे कि WTI कैसे टेम्परेचर इंडिकेट करेगा, OTI कैसे टेम्परेचर इंडिकेट करेगा, जबकि दोनों को सेंसर एक ही स्थान पर रखा जाता है, इसका पॉकेट साइड में बगल बगल में रहता है, लेकिन बाइंडिंग टेम्परेचर कैसे इंडिकेट करेगा इसको आगे भी इसी वीडियो में बताएंगे। अभी देख लीजिए, ये है WTI। OTI आप देख सकते हैं इसकी सेटिंग कैसे की जाती है, ये उंगली जहाँ पर रखे हुए हैं इसमें देख सकते हैं, एक नाव राइट साइड में है, ये नाव है, इसको 90 डिग्री पर सेट हुआ है, और दूसरा लेफ्ट साइड में है इसको 85। दोनों को टेम्परेचर इसको सेट किया जाता है, 85 जो है इधर सेट करेंगे तो 85 पर अलार्म करेगा, और 90 जो है, 90 जो सेट किया जाता है इसको पेज लूज करके सेट कर दिया जाता है, 90 पर ट्रिप कर जाएगा जब ऑयल टेम्परेचर आएगा। यहाँ देख सकते हैं 85 है लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं, 85 पर सेटिंग है, और राइट साइड में जो भी देखें वो 90 पर सेटिंग है। आप इसको सेटिंग कर सकते हैं 80-90 पर कर सकते हैं, या 85 या 90 कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कितने पर आप सेटिंग कर रहे हैं। तो टेम्परेचर सेटिंग इस तरह किया जाता है, इसको नाप को लूज करके इसको सेट कर दिया जाता है, जो जिस टेम्परेचर पर आप सेट करेंगे उसी टेम्परेचर पर ये वर्क करेगा। ये अभी जो इसमें सेटिंग दिख रही है 85 पर है, 85 पर अलार्म करेगा, जब ऑयल टेम्परेचर 85 आएगा तो अलार्म करेगा, और 90 पर जाएगा ट्रिप कर जाएगा। इसकी सेटिंग OTI की सेटिंग इस तरह किया जाता है। अब इसका वायरिंग कनेक्शन दिखाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं S1 अलार्म, S2 ट्रिप, जो 85 पर किए थे वो S1 था, जो 90 पर सेटिंग किए थे वो S2 था। दोस्तों, इसमें चार वायर निकला रहता है इस मीटर से, रेड, ब्लैक, ब्लू, येलो। रेड ब्लैक जो होता है अलार्म का होता है, ब्लू येलो जो होता है ट्रिपिंग का होता है। ये डायरेक्ट आपको ट्रिप नहीं कराएगा, आप सोच रहे हो कि WTI OTI हम लगा देंगे ट्रिप कर दिएगा, तो ट्रिप ऐसे नहीं होता है। इसमें कुछ रिले लगा रहता है और प्रोटेक्शन दिया जाता है पैनल में, पैनल में रिले के थ्रू इसको ऐड किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर की जो सप्लाई होती है इनपुट सप्लाई, वो ट्रिप कर देती है। अब दिखाते हैं इसमें WTI, ये है WTI। WTI मीटर में सेटिंग कैसे की जाती है, अब ये कैसे टेम्परेचर इंडिकेट करेगा इसको हम अभी इसी वीडियो में बताते हैं। पहले आप इसकी भी सेटिंग देख लीजिए, इसमें भी दो नाप देख रहे होंगे, ये सेंसर है,
सेंसर को ऊपर टॉप कवर में डाला जाता है, जहाँ पर ओटीआई का सेंसर डालेंगे उसके साइड में डब्ल्यूटीआई का सेंसर डालेंगे। अब इसकी सेटिंग दिखाते हैं, सेटिंग कैसे किया जाता है डब्ल्यूटीआई की। आप देख सकते हैं यहाँ पर उंगली रखे हैं, ये S2 का है, ये 90 पर सेट हुआ है। इस जो पेच हुआ है, इस पेच को लूज करके उसको खिसका के जिस टेम्परेचर पर सेट करना चाहते हैं उसके पे सेट कर देते हैं। 90 पर सेट करना चाहें तो 90 पर सेट कर सकते हैं, 80 पर सेट करना चाहें तो 80 पर सेट करते हैं। वैसे नॉर्मली S2 जो होता है 90 पर सेट करते हैं, S1 जो होता है 80 पर सेट करते हैं। 10 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस रखते हैं, तो 10 डिग्री टेम्परेचर पर सेट डिफरेंस रहेगा तो पहले अलार्म करेगा, फिर उसके बाद ट्रिप करा देगा। आप देख सकते हैं इस पेज को लूज करके इसको सेट किया जाता है। दोस्तों WTI OTI की सेटिंग चेक कर लेनी चाहिए, बहुत से लोग चेक नहीं करते हैं। तो जब ट्रांसफार्मर लोड पर चलता है, लोड पर जैसे ही पड़ता है तो ट्रांसफार्मर को ट्रिप करा देता है। अधिकांश जो साइट पर ट्रांसफार्मर लगा रहता है, पवन चक्की पर जो लगा रहता है, वहाँ पर लोग देखते नहीं, जाके देखते हैं, कहते हैं टेम्परेचर पे ट्रिप हो गया, हाई टेम्परेचर हुआ था इसलिए ट्रिप हो गया, लेकिन ये सेटिंग चेक कर लेनी चाहिए। अब इसका आप देख सकते हैं इसका वायरिंग डायग्राम है। S1 जो होता है अलार्म का है, S2 ट्रिपिंग का है, रेड येलो जो होता है अलार्म का होता है, येलो ब्लू जो होता है ट्रिपिंग का होता है। इसको CT से कनेक्ट किया जाता है, CT से इसलिए कनेक्ट किया जाता है, W फेज में CT पड़ी रहती है, सेकेंडरी CT, तो बॉन्डिंग टेम्परेचर कैलकुलेट करता है। CT से जो कनेक्ट कर देते हैं उसके इसमें करंट आता है, तो उसको जो है वो बॉन्डिंग का टेम्परेचर कैलकुलेट करता है, इसलिए इसमें CT का कनेक्शन दिया जाता है। जब तक CT का कनेक्शन नहीं रहेगा तब तक ये बाइंडिंग टेम्परेचर कैलकुलेट नहीं करेगा। दोस्तों इसकी सेटिंग बता देता हूँ, ऑयल का टेम्परेचर 75 to 85 रखना चाहिए और बाइंडिंग का टेम्परेचर 80 और 90 रखना चाहिए, 10 डिग्री डिफरेंस रखना चाहिए, तो उस पर ट्रांसफार्मर ट्रिप कर जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर मार्सलिन बास लगा हुआ, मार्सलिन बास के अंदर ही WTI सेटिंग की जाती है, WTI सेट किया जाता है, फिर उसकी सेटिंग आपको चेक करना चाहिए। चेक करने के बाद ट्रांसफार्मर को चार्ज कर सकते हैं। अगर उसकी सेटिंग नहीं चेक करेंगे, फिर ट्रांसफार्मर जैसे ही रनिंग पे चलाते हैं तो ट्रिप कर जाता है, लोड पड़ता है। तो बहुत से कंपनियों के मीटर आते हैं उसमें सेटिंग गड़बड़ रहती है, सेटिंग सही नहीं रहता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अब हमें इजाज़त दीजिए, आगे हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।